हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हम किसी भी टाइप के नंबर का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, आपने ऐसे बहुत सारी सम्स देखे होंगे कि आप इसका यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, ऐसा भी होगा कि आप इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो हम कैसे इन नंबर्स के यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर नंबर तो जैसा भी हो, यानी कि ये 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, कैसा भी नंबर क्यों ना हो, डिपेंड करता है कि इसकी जो हमारे पास ये पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो कितना लार्जर आ जाता है। जब ये बहुत लार्ज नंबर आ जाता है तो ऑब्वियसली हमारे लिए कैलकुलेशन तो ईजी नहीं है। तो अब ट्रिक कैसे इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं ये फाइंड करने के लिए कि सॉल्व करने के बाद जो नंबर आया होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यही टाइप, और इसमें हम रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे ऐसे नंबर्स के लिए जिनका यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, 2, 3, 7, 8 के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज सिर्फ इतना पढ़ेंगे 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 के लिए। तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, जो यानी कि जो एक्स है, इस एक्स का यूनिट डिजिट अगर मेरे पास 0 है, तो एक्स की पावर कितनी भी लगा लो उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर एक्स का यूनिट डिजिट 0 है तो एक्स इज टू पावर एन का यूनिट डिजिट भी 0 रहेगा। अगर यहाँ पावर 1 है, सॉरी, यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट ऑफ एक्स, एक्स का यूनिट डिजिट 1 है तो कितनी पावर हो उसकी, उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। सेम थिंग हमारे पास होती है 5 के लिए, ये भी 5 ही रहता है, और सेम थिंग 6 के लिए भी होती है। इसमें आपके पास जो है यूनिट डिजिट चेंज नहीं होते हैं। 0 में हमेशा एंड में 0 ही आएगा, 1 में हमेशा एंड में 1 ही आएगा, और 5 पे भी आएगा। 6 का भी सेम रूल होता है। जैसे आप 6 का भी नोटिस करोगे ना, 6 स्क्वायर आपका आता है 36, 6 का क्यूब आ जाता है 216, 6 की पावर 4 करोगे तो जो नंबर आएगा उसमें यूनिट डिजिट 6 होगा। तो 0, 1, 5, 6 में कुछ भी पावर हो, आपके पास यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, 0, 1, 5 एंड 6। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की। अगर मेरे पास यूनिट डिजिट है 4, एक्स का यूनिट डिजिट 4 है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर इस 4 की पावर जो है वो कोई इवन नंबर भी हो सकता है, और इस 4 की पावर कोई ओड नंबर भी हो सकता है। ओनली 4 नहीं, कोई भी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, 234 रेज टू पावर 1920 एंड 234 रेज टू पावर 1921। मैंने एक में लिया है इवन पावर में और एक में लिया है ओड। ठीक है, अगर तो इसकी पावर ओड है, ओड में आपके पास सेम यूनिट डिजिट बचेगा 4। ठीक है, अगर पावर ओड है तो सेम यूनिट डिजिट बचेगा, लेकिन अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा इसका 6। ठीक है, यानी कि जो 4 की पावर्स में हम देखते हैं ना, 4 की पावर 1 है तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर आपको आ जाता है 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256। तो आप चीज़ नोटिस कर रहे हो कि 4 आएगा, 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, तो 4, 6, 4, 6 ये चलते रहते हैं। तो अगर इवन पावर आती है तो 6 आएगा, ओड पावर आती है तो 4 आएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा था 234 रेज टू पावर 1920, तो इसकी पावर है इवन। ये कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर में क्या होगा, आपके पास इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 आएगा, और ये पावर है ओड। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट आपका सेम रहेगा 4। अब 9 के लिए भी यही रूल है। 9 में भी आपके पास क्या हो सकता है कि इसकी पावर जो है वो इवन भी हो सकती है और इसकी पावर आपके पास ओड भी हो सकती है। अगर तो ओड है तो फिर से सेम डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, और अगर इवन है, इवन में यूनिट डिजिट बन जाता है 1। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, सपोज 449 रेज टू पावर 1920 एंड 449 रेज टू पावर 1921, ठीक है, इवन पावर है तो आपके पास यूनिट डिजिट इसका 1 बन के आएगा, और अगर ओड पावर है तो यूनिट डिजिट आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। 0, 1, 5, 6 में नो चेंज, 4 में इवन एंड ओड का आपने कंसेप्ट देखना है, और 9 में भी इवन और ओड के लिए देखना है। इवन में 6, ओड में 4, इवन में 1 और ओड में 9। तो ऐसे आपने यूनिट डिजिट देखने हैं, 4,
दिस टाइप ऑफ नंबर, जहां पर नंबर का ही यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 हो, ठीक है। 2, 3, 7, 8 के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आप वहां पर सीख सकते हो, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डाउनलोड द ऐप ऑनलाइन मैथ्स, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।